अगर आपको मिठाई खाना बहुत पसंद है लेकिन आप मिठाई खाने से परहेज करते हैं क्योंकि आपका वजन बढ़ जाएगा इस डर से, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना कोई गुड़ बिना कोई चीनी के ड्राई फ्रूट से बनी बहुत ही टेस्टी एनर्जी बार की रेसिपी, जिसे खाने से आपको स्वीटनेस के साथ साथ एनर्जी भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप खजूर, खजूर को उसका बीजा निकाल के ले ली हूँ। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज 1/4 कप। साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ कटा हुआ बादाम, बादाम को अच्छे से बारीक काट के ले ली हूँ 1/4 कप। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ एप्रिकोट 1/4 कप, सबको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ 2 बड़ा चम्मच पिस्ता बारीक कटा हुआ। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ 2 प्रकार का किशमिश, ये ब्लैक किशमिश और ग्रीन किशमिश, मैंने इनको 2 टुकड़े में काट लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ 1/4 कप काजू इस तरह से बारीक काट के। साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ 1/4 कप ये मिक्स सीड्स और बेरीज जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये ऑनलाइन भी मिलता है। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। अब हम लोग चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम लोग खजूर को पीस लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राइंडर जार ले ली हूँ, इसमें डाल देंगे खजूर। खजूर में ध्यान रखें कि या तो आप सीडलेस खजूर लें या फिर सारा सीड्स को अच्छे से निकाल लें। सारा खजूर को डाल लेने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए मैं इसका एक पेस्ट बना ली हूँ, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम लोग चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो पकाने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई को गरम की हूँ। कढ़ाई में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच घी। घी के जगह पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गरम होते ही इसमें हम लोग काजू बादाम और पिस्ता को फ्राई कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्रंची होने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इन तीनों को फ्राई करेंगे। तो इन तीनों को मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब लो फ्लेम में इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। लो फ्लेम पे भुनेंगे ताकि हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो जले नहीं। इस तरह से लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इस रेसिपी को आप वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट है तो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी को बच्चे के साथ साथ बड़े भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से हम लोग लगातार चलाते हुए इसको भून लिए हैं। अब हम लोग इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सब डालना है। अगर आपके पास कोई इसमें से नहीं है या फिर आप इसमें से कोई डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरे पास जो घर में था मैं वो सबको डाल दी हूँ। अगर आपके पास इसमें से कुछ और नहीं है या फिर अगर आप इसमें अखरोट या फिर जो फिग होता है वो सब डालना चाहते हैं तो वो सब भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे भून ली हूँ। लगातार इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो जले नहीं। तो लगातार चलाते हुए मैं यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून ली हूँ और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये भून गया है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे, निकाल के हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ड्राई फ्रूट्स ठंडा होगा तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच घी। साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे जो हमने खजूर को पेस्ट बना के रखा था उसको। तो इस तरह से हाथ से डालें क्योंकि खजूर थोड़ा चिपचिपा होता है तो ये चिपक सकता है, इसलिए सारा खजूर को इसमें डाल देंगे। खजूर को डालने के बाद लो फ्लेम पर खजूर को हमें पका लेना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक खजूर को हमें पका लेना है ताकि वो अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाए। अगर आप चाहें तो खजूर को पीसने से पहले आधा घंटा के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दें, इससे आपका पेस्ट बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगा। बस उसे पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए हम लोग का जो खजूर है वो पक गया है। अब हम लोग इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखा है उसको डालेंगे। तो एक साथ सारा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आधा ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद खजूर में अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये देखिए आधा ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो बाकी का बचा हुआ आधा ड्राई फ्रूट्स है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे इसमें। अब लो फ्लेम पे इस तरह से लगातार चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स और खजूर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे जो हमने इलायची का पाउडर बना के रखा था उसको इस तरह से डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स और खजूर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हम लोग का अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं पैन से बिल्कुल अलग हो जा रहा है। अब हम लोग इसको एक थाला में निकाल लेंगे और थाला में निकाल लेने के बाद इस तरह से जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों की मदद से इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से शेप दे
देंगे इसको। तो ये देखिए मैं इसको सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, तो ये देखिए ये अच्छे से सिलेंडर शेप में बन गया है, ये भी हल्का गर्म है। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे पोस्तोदाना यानी कि पॉपी सीड्स, इससे इसका जो स्टिकीपन है वो दूर हो जाएगा और साथ ही ये अच्छा सा एक फ्लेवर देगा, पॉपी सीड अपना अच्छा एक फ्लेवर देगा। तो ये देखिए मैं चारों तरफ अच्छे से डाल ली हूँ, अब इस तरह से इसको रोल करेंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से इसके ऊपर। अब ये हम लोग का सिलेंडर शेप में बन के तैयार है, अब हम लोग इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल पेपर ले ली हूँ, आप चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल से इसको ग्रीस कर सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर रही हूँ, फॉइल पेपर के ऊपर इसको रख के इस तरह से हम लोग रैप कर लेंगे, टाइट रैप करेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो पाए। तो इस तरह से हम लोग इसको रैप करेंगे और दोनों साइड से हम लोग इसको इस तरह से सील कर देंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से दोनों साइड से सील कर देंगे और सील करने के बाद इसको कम से कम आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छे से जम जाए। अगर आप ठंडा दिन में बना रहे हैं तो ऐसे ही इसको रख दे, आधा घंटा के लिए जम जाएगा। अगर आप गर्मी दिन में बना रहे हैं तो इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आधा घंटा बाद इसको फ्रिज से निकालेंगे और ये हम लोग का जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम लोग इसको कट करेंगे, तो इस तरह से सबसे पहले इसको खोलेंगे इसका रैपर को। आप इस मिठाई को स्टोर करके फ्रिज में 15 दिन तक यूज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए हम लोग का जो ये रैपर है वो अच्छे से खुल नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के खोल रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें घी नहीं लगाई थी तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद अब हम लोग इसको कट करेंगे, तो कट करने के लिए एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ जैसे धारदार हो और इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से कट जा रहा है और कितना डिलीशियस बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए ये हम लोग का एनर्जी बार बन के तैयार है और मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना डिलीशियस दिख रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं।